देन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने कौन सा पंप पढ़ा है लास्ट क्लास में? फोर्स पंप, ठीक है, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग दोनों। अगला नेक्स्ट आज रहता है लिफ्ट पंप। तो छोटा चैप्टर है, लंबा नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट का चलेगा। इसके बारे में यहाँ कुछ भी लिखने से पहले मैं समझा दूँ, अपने अपने घर में आसपास में हैंडपम्प देखा है, नलका भी बोलते हैं, है ना, यही है। वैसे देखा जाए तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा। अभी भी आप में से कुछ ऐसे हैं कि वो पता होने के बावजूद भी उसकी पूरी कार्यशैली नहीं जानते, तो शायद मैं बताऊँगा तो उसको कम्प्लीटली 100% कम्प्लीट जो है उसको पकड़ लोगे, कैच कर लोगे, समझ में आ जाएगा वो, है ना। इसमें लिफ्ट पंप का मतलब ही, पहली चीज तो हिंदी अगर हम करें, लिफ्ट का मतलब उठाना है ना, हाँ, तो ऐसा पंप जो पानी को उठा के लेके आता है। इससे पहले वाला कौन सा था? फोर्स पंप, जो फोर्स लगा के दबाव दे के, है ना, जोर लगा के पानी को बाहर निकालता था, फेंकता था। ये वाला क्या है? लिफ्ट करके लेके आता है, इसलिए इसको लिफ्ट पंप बोलते हैं। फर्क है दोनों में, दोनों सिमिलर हैं, कुछ दोनों में एक जैसा जो है सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, लेकिन कुछ दोनों में अलग अलग भी है। वही चीज़ जो इन दोनों में अलग अलग है, वही दोनों को अलग भी करती है। जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं की वजह से इनके नाम भी अलग हैं, क्योंकि काम करने के तरीके में थोड़ी हेर फेर है। तो क्या बोलते हैं, 19-21 का फर्क, तो वो फर्क देखते हैं। इसमें भी एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर मतलब वो जो नलके का मोटा पाइप होता है ना, उसको तो इंग्लिश में हम सिलेंडर ही बोले। इसको हम बंद करते हैं, इसको हम सिलेंडर बोलेंगे। इसके अंदर फोर्स पंप में क्या होता था, यहां से हमारा इनलेट तो था, है ना, इधर से, बट आउटलेट क्या है, इधर से था, है ना, इधर से था। और उसमें क्या होता है, इधर आके एक बड़ी टंकी होती है, तो ये पानी ऐसे धीरे 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 इस टंकी में जाके भरता है, और फिर इसमें से जो है ना आगे फेंका जाता है। ये जब भर जाते ना पूरी, तो पीछे से दबाव आके जब पानी आता रहता है तो पाइप से आगे फेंकते थे, पुराने टाइम की बात है, अभी तो है ही नहीं वो लोग। इसमें क्या, यहाँ से पानी जाता था, इसमें ये वाल एक जो है इधर रहती थी और एक जो है ऐसे करके रहती थी। लिफ्ट पंप में भी सेम ऐसा ही सिलेंडर है, ऐसे ही नीचे से पानी आएगा, थोड़ा सा फर्क है नलके में अपने में जो है, थोड़ा सा फर्क है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे फर्क है। इसमें इधर कोई आउटलेट नहीं है, बिल्कुल ये बंद सिलेंडर है, बंद एकदम, हाँ, ये चीज़ लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद इसमें लगानी ही नहीं पड़ती। अब क्या है, ये होगी हमारी रॉड, और जो हथेली से आती है वही हुई ना, ठीक है, ये होगी रॉड हमारी जो इसे आती है। अब इस पे लगा हुआ है ये, ऐसा है क्या, उसको वार्सल बोलते थे ना हम लोग, वार्सल बेच गया भाई, वार्सल डाल दो, ऐसे ही बोलते थे ना, है। अच्छा, इसका आउटलेट ना इधर से होता है, सही बना है कि नहीं बना है? लड़के की बात करें तो इतना ही होता है, यहाँ से गिर जाता है। अभी अपने को पंप के रूप में तैयार करना है तो इधर से थोड़ा आगे जाएगा, इधर से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा या सामने जाएगा, किधर भी जाएगा ना, ऊपर बहुत कम जाता है। ऊपर जाने के लिए इधर से अपने को पैकिंग लगानी पड़ती है, पानी को ऊपर पहुँचाना है ना, तो इधर पैकिंग देनी पड़ेगी, वरना यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात करेंगे, अभी यहाँ तक छोड़ो, ये क्या हो गया आउटलेट, ये क्या हो गया
इनलेट हो गया, इधर से पानी अंदर आएगा और इधर से बाहर जाएगा। अब काम कैसे करेगा, जब ये नीचे जाता है तो यहाँ इसमें एक सिस्टम होता है, यहाँ इसमें सिस्टम होता है, यहाँ नहीं होता है, ये बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। अपने को इधर जरूरत ही नहीं है वो चिड़िया लगाने की, वो जो टिक टिक करके बंद होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने नलके में ना इधर होता है ऐसे करके सिस्टम, क्या बोलते थे इसको, मेरे को नाम जाननी है, आप पत्ता उठ गया करके बोलते हैं। इसमें लोहे की एक डंडी होती है नीचे, ये लोहे का बना होता है, थोड़ा भारी सा होता है, और यहाँ ऐसे गोल ऊपर रुपया सा उसके नीचे वो होती है, और उस रुपये के नीचे एक रबड़ लगी होती है, क्योंकि लोहे पे लोहा टिकेगा तो फिर वो तो पानी निकलता रहेगा ना, वो रबड़ होती है जो, क्योंकि दो धातु कभी भी बिना रबड़ के पैक नहीं हो सकते। किसी मशीन में, किसी गाड़ी में, दुनिया की कोई भी मशीन हो, वो पूरी स्टील की, लोहे की, अगर वो मेटल की बनी है तो दो पार्ट को जोड़ने के लिए नट टाइट करने से पहले बीच में रबड़ का पत्ता देना पड़ता है, है क्या, गलत बोल रहा हूँ मैं? वो क्यों देना होता है, क्योंकि दोनों धातु कभी भी इतने एक समान नहीं हो सकते कि आपस में मिल जाए तो उनके बीच से कुछ लीक ना हो, है ना, उनमें थोड़ा बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ होता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। अब रबड़ क्या है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो जिधर भी थोड़ी बहुत जगह होती है ना उस धातु में, उधर घुस जाती है वो, और फिर हम ऊपर से नट लगा के उसको ना ऐसे टाइट करके दबा देते हैं पूरी तेज, तो धातु के दोनों हिस्सों के बीच में वो रबड़ ना अपने आप अपनी जगह फिल कर लेती है, जो ऐसे ऊंची नीची जगह थी उसमें, उसमें खुद को फिल कर लेती है वो, और फिर आर पार हवा पानी गैस कुछ भी लीक नहीं होने देती है। इसीलिए बोलते हैं कि रबड़ कट की भाई डलवानी पड़ेगी, क्योंकि लीक होता है नहीं तो, है ना, इसलिए इसमें भी यहाँ पे रबड़ का वो पत्ता ही होता है। पानी ऐसे करके जाता है बेटा साइडों से, अब ये नीचे आता है तो यहाँ जितना पानी भरा है ना, देखिए जब नीचे आएगा तो ये पत्ता अपने आप प्रेशर में उठ जाएगा, और इसके साइडों से पानी ऊपर वाले चैम्बर में चला जाएगा। ये सिलेंडर आ गया यहाँ पे, सॉरी ये हमारा जो वाशर है ये आगे टिक गया यहाँ पे, प्लंजर अपना, अब यहाँ पे टिक गया तो ये एरिया तो पूरा पानी से भर गया, और जब इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे तो ये पत्ता टिक जाएगा, क्योंकि इसके सर पे बहुत सारे पानी का बोझ है, ऐसे करके नीचे झुक जाएगा और उस पर टिक जाएगा, तो पानी वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इसको तो ऊपर लेके जाएंगे हम ये दबा के, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पानी तो यहाँ से निकल ही जाएगा ना सारा का सारा, तो ये ऐसे करके इधर तक आएगी बस, इसके सामने तक सारा पानी खाली, ये फिर वापस नीचे जाएगी, तो जब ये ऊपर आ रही थी तो पानी तो खींच के लेके आई ना यहाँ से, तो ये सिलेंडर भर गया नीचे का, जब ये नीचे आएगी पत्ता उठ जाएगा और नीचे वाला सारा पानी ऊपर वाले में भर जाएगा। इसका काम क्या है, लिफ्ट करके लेके आना है, ये नीचे जाता है और सारे पानी को अपने सिर पे लेके और ऐसे लिफ्ट करके ऊपर ले आता है। अब ऊपर ले आता है तो हमने इसको नहीं यहाँ से जाने का रास्ता दे दिया पानी को, कभी जाएगा ही नहीं पानी को, फिर हथली ऊपर ही नहीं आएगी, वो तो वहीं टिकी रहेगी क्योंकि पानी भरा हुआ है ना, ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वो पैक हो गया, तो इधर से हमने आउटलेट दे दिया, पानी इजीली बाहर आता है। हमारा अपना हैंड पंप नलका ऐसे काम करता है, अब ध्यान दो इस चीज़ को। पत्ता उठने का मतलब क्या होता है, ये खराब होता है, ये यहाँ पे टिकना बंद हो जाता है तो खाली हवा निकालता रहता है, उसमें से पानी आएगा ही नहीं, समझे? कहीं में पत्ता इस पे भी होता है बेटा, ध्यान दो, पत्ता इस पे भी होता है, फिर थोड़ा सा कार्यशैली चेंज हो जाएगी, ध्यान देके देखो आप। अगर यही पत्ता हमने यहाँ की बजाय इसको खाली छोड़ के और अगर यहाँ लगा दे तो पूरी कार्यशैली चेंज हो जाएगी हमारी। जब नीचे आएगा ना तो ये पानी ना यहाँ से निकलने वाला सिस्टम बन जाएगा, फिर ये कौन सा पंप बन जाएगा, फोर्स पंप, फोर्स पंप, क्योंकि जब नीचे आएगा, अगर यहाँ पत्ता लगाया तो नीचे आएगा तो प्रेशर में तो दब जाएगा ना, अब वो दब जाएगा तो पानी नीचे ना जाएगा ना आएगा, जितना इसमें भरा हुआ होगा नीचे वो यहाँ से निकलेगा, तो वो पंप चेंज हो जाएगा, समझ गए? तो लिफ्ट पंप और फोर्स पंप में यही फर्क है, फोर्स वाला नीचे पूरी खींच के इसी इतने सिलेंडर में, उसमें ऊपर का हिस्सा नहीं होता है कुछ भी, यही पानी भरेगा यहीं से फेंकेगा, ये क्या करता है इधर के पानी को ऊपर उठा लेता है अपने सर पे और फिर ऊपर जाके फेंक के फिर वापस नीचे आ जाता है,
नीचे आते आते इसको भर देता है, फिर वापस ऊपर जाके पानी को खाली कर देता है, ये ऐसे चलता है। इसको डबल एक्टिंग बनाना हो तो जैसे हम फोर्स पंप को बना रहे थे ना, इसको भी डबल एक्टिंग बना सकते हैं। लेकिन इसमें डबल एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हम ऊपर नीचे लाएंगे ना तो चलता रहता है पानी, कभी खाली नहीं होती इसकी वाली नाली। अपन नलके में अगर लगातार चलते रहते हैं तो थोड़ा कम तो हो जाता है जब नीचे जाता है, लेकिन बंद तो नहीं होता, क्योंकि जब तक ये नीचे जाता है ना तब तक ये पानी फेंकता भी रहता है। देख ये फिलहाल यहाँ है, पहली बार तो पानी नहीं आएगा, अपन क्या करेंगे इसको ऊपर उठाएंगे, इधर से ये ऊपर उठा तो ये नीचे आया, तो जब ये नीचे आएगा उस टाइम में तो पानी नहीं होगा इसमें, लेकिन जब फिर से हम उठाएंगे ना तो ये पानी खींच के लेके आएगा। ठीक है, अपना पहला पंप तो गया बेकार, मतलब सिर्फ पानी नहीं आया, बेकार तो नहीं गया वो, पहली बार जब ये नीचे आया तो खाली था, लेकिन जब पहली बार ऊपर गया ना ये यहाँ से पानी खींच के लेके गया और यहाँ तक आते आते इसने पूरे सिलेंडर में पानी भर दिया, खींच के लेके गया ना, पानी आता रहा यहाँ आ गया, ये पानी भर गया पूरा का पूरा। अब फिर जब इसको हम खींचेंगे और वापस नीचे लाएंगे तो उस टाइम में ये खुल जाएगा, पहली बार भी खुला था लेकिन पानी नहीं था ना इसमें, ये तो खाली गया, लेकिन अब तो पानी है, पानी के प्रेशर में ये उठ जाएगा, खुल जाएगा ये वाला जो है। यहाँ से जब ये वापस हम इसको नीचे लेके जाएंगे ना दूसरी बार, तो ये जितना भरा हुआ था ना ये पानी इसमें से निकल के और इस सिलेंडर में भर जाएगा। अब मेरा लिफ्ट ऐसे 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 यहाँ तक आ गया और ये जो पानी इसमें भरा हुआ था ये इसके ऊपर आ गया पूरा का पूरा। फिर दूसरी बार जब हम इसको नीचे खींचेंगे और ये ऊपर जाएगा तो ये जो इतना पानी भरा हुआ है ये ऊपर जाता जाएगा और पानी निकलता जाएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा, पानी सारा निकल जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, जब तक ऊपर गया तो इसको भर के लेके चला गया। ये कंटिन्यूटी के साथ जो है ना यही फोर्स चलती रहती है और लिफ्ट पंप में डबल एक्टिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अपन क्या करते हैं, तो हाथ का नलका मैंने आपको बताया, इसको हमने पंप में यूज करना होता है, जनरेट ज़्यादा पानी अगर निकालना है, प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर मोटर बिठा देते थे नलके के ऊपर, नहीं मोटर बिठाते थे अपन, वो शाफ्ट वाली, वो ऐसे करके चलती थी जो, ध्यान है। अभी वो पुराना जुगाड़ हो गया, उसको हटा के लोगों ने सीधा क्या किया, इधर से एक पाइप निकाल के और साइड में मोटर बिठा दी बड़ी वाली, तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये जो मोटर बिठाई ना, वैसा नहीं है कि वो सिस्टम बदल गया, वो पंप चेंज हो गया बेटा, वो जो मोटर वो चल रही है ना वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो जो चौथे नंबर पे आया था ना, कल मैंने चार लिखाए थे, वो जो चौथा नंबर था ना, ये मोटर भी वही है, ये भी पंप है। ये मत सोचो मोटर होगी तो अपने उसे क्या, वो भी हमारी पढ़ाई के अंदर आता, वो पंप चेंज हो गया, उसमें क्या हुआ ये ऊपर नीचे का सिस्टम ही खत्म हो गया, सीधा एक केसिंग के अंदर इंपेलर लगा दिया, उसमें से खांचे बना दिए, खच वो पानी खींचता ही रहता है लगातार उसमें, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत गैप आ भी जाता है, सेंट्रीफ्यूगल में तो गैप ही नहीं आता, वो तो लगातार पानी फेंकता है। अभी आज के टाइम में वही चल रहे हैं, लेकिन ये सबने देखा है, हैंडपंप सबने चलाया है, इतना कभी नहीं सोचा ना, आज पता चला जो बचपन से चलाते आ रहे वो असल चीज़ क्या है, हमें भी नहीं पता था, हम भी बचपन में तो ऐसे ही चलाते थे, अपने भी गांव में घर में सब के होते थे पहले तो, अभी तो घरों में तो चलो शायद समर्सिबल हो गए, बट अभी भी बहुत घरों में नलके हैं, घर में नहीं होंगे तो कम से कम जिधर अपन बाहर घेर बोलते हैं उसको, पशु वगैरह बांधते हैं, उधर तो है, यही काम करता है वो। इस बार जब चलाओ ना तो उसको चलाते चलाते वो चीज़ फील करके देखना कि जब ये नीचे गया तो पानी इसने भर दिया, फिर वापस ऊपर आया था उसी पानी को ये पाइप से बाहर निकाल रहा है, फिर वो जब तक ऊपर वाला निकलेगा ना उतनी देर में ही हम इसको वापस नीचे ले जाएंगे, तो वापस नीचे जाते जाते वो फिर से सिलेंडर को भर देगा, फिर ऊपर आएगा तो भरे हुए सिलेंडर को खाली करके चला जाएगा। थोड़ा सा अपने को इमेजिनेशने करनी पड़ती है, देखो यहाँ बैठे बैठे हम अपनी आंखों के सामने एक मशीन बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं पूरी की पूरी, और थोड़ा सा बेटा विजुलाइजेशन बनाओ अपने दिमाग के अंदर, ये तो सिंपल चीज़ें चल रही है, बहुत सीखना है आगे जाके हमने। विजुलाइजेशन मतलब अपने दिमाग में ना एनिमेटेड पिक्चर बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, जब मैं बता रहा हूँ ना यहाँ, उस टाइम उस चीज़ को लाइफ में जहाँ आपने देखा था तुरंत उसको पकड़ लिया करो, हाँ ऐसा ही था, जो तुम्हारे सामने हवा में वही यही नलका, अगर यही हैंडपम्प हवा में बन गया और आपने इधर ही चला के देख लिया, उसी टाइम समझ जाओगे असली चीज क्या है। चला है ना सबने, यहाँ बैठ के जैसे मैंने बताया इसको विजुअलाइजेशन करो, अब भी समझ में आ जाएगा, वरना ऐसे ऐसे ग्राफ और तस्वीरें में चाहे 50 बना लो,
यहाँ बनी रहेगी है कल तक, कल आगे मिटा के अगला चैप्टर लगा देंगे, किसी काम का नहीं आएगा। माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर बनाओ, डाउनलोड करो VFX का, जो पिक्चरों में VFX बनती हैं, वो पहले दिमाग से सोचते हैं कि मेरे को ऐसा VFX बनाना है, और वो वैसा ही बना के भी हमें पिक्चर में दिखा देते हैं। पहले किसी के माइंड में आया होगा ना, तब तो वो प्रैक्टिकल में बनाया किसी ने, अब माइंड में तो ले गया उसको, फिर बनाओ। ये लिफ्ट पंप का काम, एक टाइम में, एक दिन में, एक क्लास में एक ही पंप बताऊंगा, मैंने पहले बोला था। ये पंप छोटा था इसलिए जल्दी खत्म हो गया, थोड़ा लंबा था, कल डबल था, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग थोड़ा लंबा टाइम लगा, बट ये जितना भी है इसको एक बार सीख के समझ के छोड़ो, साइड करो, उस पर दोबारा ध्यान देना ही नहीं अपने। इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मैं बताऊं भी आपको, समझ में आ गया ना अपने को, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल वगैरह की बात नेक्स्ट क्लास में होंगी, अभी लिफ्ट पंप का अपने को जानना था, लिफ्ट पंप का सिस्टम लिफ्ट करके लेके आना, सिंपल सीधा, मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया फर्स्ट लाइन के अंदर, देन कंप्लीट। एक और इसके बाद होता है बकेट एंड प्लंजर पंप, कौन सा होता है BUCKET बकेट एंड प्लंजर, प्लंजर पंप सिमिलर एकदम, फोर्स पंप और लिफ्ट पंप का कॉम्बिनेशन बकेट एंड प्लंजर पंप है, उसमें कोई फर्क नहीं मानते। मैं जैसे बताऊं, अपन जो सिंपल वो नलके अपने होते हैं जो घरों में है, जो गांव में है, जो हैंडपंप हम चलाते हैं छोटे वाले, वो तो मान लो लिफ्ट पंप। कुछ शहरों में या कहीं वो बड़े वाले नलके देखे, मोटे वाले घुर्र ऐसे करके जाते हैं, जिसमें ना वो हथले वो उसकी जगह चैन लगी होती है, ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, जिसमें वो रोड की जगह चैन लगी होती है, तो मशीन बड़ी होगी, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया गया, बाकी सेम सिद्धांत पे प्रोसेस पे काम करता है, तो इसका कोई भी अलग डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही काम करता है, थोड़ा बड़े लेवल पे काम करता है। बकेट ये है तो बाल्टी अपनी, प्लंजर ये है तो काम कर रहा है, सेम ऐसे उसकी बाल्टी बड़ी हो जाती है, सिलेंडर की बजाय वो बकेट बन जाती है, उसमें पानी ज़्यादा आता है वो खींचता रहता है, उसमें और हमारे वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना है कि वो एक साथ में ज़्यादा पानी खींचता है, और जब वापस नीचे जाता है ना तब तक भी पानी फेंकता ही रहता है, क्योंकि उसमें यहाँ ज़्यादा आ जाता है, स्टोर कैपेसिटी बढ़ गई, तो जब तक नीचे भी जाएगा ना तब तक इतना कैपेसिटी देगी वही बाहर निकलेगा मुश्किल से, क्योंकि क्या होगा उसका ये वाला थोड़ा नीचे होता है, हम बकेट प्लंजर की बात करें तो ये ऊपर था, उसका क्या हो जाता है थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो जब ये वापस आता है तो उसको यहाँ तक भर देता है कि ऊपर से पैक होता है, इतना उसको भर के चला जाता है, तो ये नीचे भी चला जाएगा ना तब तक यहाँ भरा हुआ, धीरे धीरे वही खाली होगा, इतनी देर में नीचे से फिर उठा लाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है ना। तो बकेट प्लंजर और लिफ्ट पंप एक जैसे ही काम करते हैं दोनों, आज दोनों के लिए ठीक है। रोटरी पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप दो बचते हैं, कोशिश हुई तो कल दोनों के लिए हो जाएंगे। ओके, आज की क्लास आपकी ओवर, फायर की।